सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे हम संस्कृत, पंचम पाठः भारतीय संस्कृतिः, इकारान्त पुल्लिङ्गः का प्रयोग, कक्षा सप्तम, जो कि भारतीय संस्कृति है, भारत की संस्कृति कैसी कैसी हैं, भारत के जो रीति रिवाज हैं, भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग समाज के लोग जो देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी जो अलग अलग भगवान हैं, उनके जो अलग अलग ईश्वर हैं, उनकी जो अल्लाह हैं, उनकी जो कुरान हैं, उनकी जो गीता हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने इस पाठ के बारे में कल भी मैं आपसे चर्चा किया था। तो आज बात करते हैं पुनः भारतीय संस्कृति के बारे में। इमेज देखिएगा, सबकी अलग अलग, हिंदुओं की अलग, मुसलमान की अलग, ईसु ईसा की अलग, सिख के अलग अलग इमेज दिए हुए हैं। आप इमेज के माध्यम से बुक्स को पढ़िएगा, उसके पैराग्राफ को समझिएगा और देखिए इमेज के माध्यम से बहुत कुछ आपके सॉल्व होएंगे। तो भारतीय संस्कृति इकारान के बारे में देखते हैं कि स्त्रीलिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। अतीव वैविध्यमयी खलु भारतीया संस्कृति, अतीव बहुत ही विविध्यमयी, विविधतापूर्ण खलु भारतीया संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है बहुत ही विविधतापूर्ण है। विशस्व प्राचीन मासु संस्कृतिषु अस्याः गणना भवति, विश्व के प्राचीन मास में उसके अस्य उसके संस्कृति की गणना होते हैं, उनकी जो संस्कृति की जो गणना होती है भवति होती है। वस्तुतः अन्नैव भारतस्य प्रतिष्ठा अखिल संसारे वर्तते, जो कि वस्तु और अन्य भारत की प्रतिष्ठा अखिल जगत में, वस्तु और भारत की प्रतिष्ठा अखिल भारत में होते हैं। यथोक्तम, उदाहरण की बात बताया गया है कि भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति संस्कृति स्था, भारत की जो प्रतिष्ठा है द्वे संस्कृति से, दो संस्कृत से है। वैदिक काले आर्य जनेह प्रवर्तिताः यम कालांतरे अनेकः समुदायः संप्रदायः धर्मावलंबिश्च परिवर्धिता। यहाँ पर भारत की जो प्रतिष्ठा है दो तो संस्कृति से है। वैदिक काल में आर्य लोग वहाँ क्या करते हैं, वैदिक काल में आर्य लोग समय में अनेक समुदाय के समुदाय अनेक समुदाय और संप्रदाय और अनेक धर्म के लोग क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रवृत्तिता बड़ाई करते हैं, आधुनिकी पुराने काले अस्माकम देशी नाना वेशभूषा भाषा आचार विचार अवगंता च जनाः निवसन्ति। पुराने समय में लोग हमारे देश में, काल में, समय की बात कही है, हमारे देश में नाना वेशभूषा नाना आचार विचार भाषा के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। निवसन्ति जनाः मतलब होता है लोग, च मतलब होता है और, तो और जो लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। अत्र हिंदुः मुस्लिमः मुस्लिमः सिखः पारसिकः जैनः बौद्धः क्राइस्टः च परम पर इस परम मिलत्वा सहयोगेन वसन्ति। यहाँ अत्र मतलब होता है यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख और जैन, सिख पारसिक जैन और बौद्ध और ईसाई परस्पर मिलकर एक दूसरे के क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं। अनेकत्व एकत्वस्य उदाहरणं प्रशस्ति संस्कृतिर्यं विश्वजनानां आश्चर्यचकितानां करोति। अनेकों में एकता, अनेकों में एकता, एकस्य एकता की बात की गई है। उदाहरणं प्रस्तुत करते हैं जिनकी संस्कृति विश्व को आश्चर्यचकित कर देती है,
जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है, जो कि सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। ये जो पैराग्राफ है, वीडियो को जब भी देखेंगे आप बुक्स को ओपन कीजिएगा और पैराग्राफ वाइज हिंदी श्लोक को अच्छे से संस्कृत को पढ़ते हुए श्लोक को अच्छे से समझिएगा। जहाँ समझ नहीं आएगी मेरे को बोलिएगा, मैं फिर से पुनः आप लोग को उसकी क्लास में बताऊँ, फिर से क्लास लूँगा आप लोग की। बेटा आप लोगों से अनुग्रह है कि जहाँ पर समझ आपको नहीं आती है बार बार मेरे को पूछिएगा, बार बार मैं आप लोगों को बताऊँगा। बट ना समझकर आप आगे मत बढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं कि श्लोक के माध्यम से क्या बताया गया है भारतीय संस्कृति के बारे में, जो कि अलग अलग उनकी गीता हैं, कुरान हैं, मस्जिद हैं, ऐसा है, सबकी अलग अलग धर्म के अलग अलग ईश्वर होते हैं, उनकी बारे में चर्चा करते हैं। अत्र सर्वमासमपि धर्माणां पूज्या पद्धतयः भिन्नाः सन्ति, हिन्दुः श्रुतिस्वः स्मृतिस्वः च विश्वसन्ति, मन्दिरेषु च स्तुतिं कुर्वन्ति। अत्र यहाँ सभी धर्म के लोग पूजा अलग अलग करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हिंदू श्रुतेषु वेद को और धर्म ग्रंथ में विश्वास करते हैं, किसकी, हिंदू जो होते हैं वेद को की पूजा करते हैं और धर्म ग्रंथ में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और मंदिरों में पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, बताया गया है हिंदू धर्म के बारे में। मुस्लिमाः कुरान ग्रंथ सुनित्य मनु स्मृति मस्जिद येसु अल्लाह गायंती, जो मुस्लिम होते हैं कुरान ग्रंथ के अनुसार मस्जिद में गुरु और ग्रंथ की पूजा करते हैं, किसकी, गुरु और ग्रंथ की, अल्लाह को गायन करते हैं, गुरु ग्रंथ की पूजा करते हैं मस्जिदों में जाकर। सिख, सिख जो होते हैं गुरुद्वारे ग्रंथ ग्रंथम गुरु न चर पूज्यंती, सिख जो होते हैं, सिख जो होते हैं गुरुद्वारा में जाकर क्या करते हैं, उनकी ईश्वर की स्तुति करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, यह बताया गया है। क्राइस्टा जो होते हैं, ईसाई जो होते हैं, बाइबिल ग्रंथ मनु सरन्ति चर्चेसु प्रभु यीशु चार्चयन्ति, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं बाइबिल ग्रंथ के अनुसार प्रभु यीशु की चर्चा करते हैं, इसकी, प्रभु यीशु की चर्चा करते हैं। एवमे जनाः जैन धर्म मंदिरेषु चतुर्विशन्ति जरथुस्त्रम स्मृति पूज्यन्ति च च, और के बारे में बताया गया है। जो जैन धर्म के लोग होते हैं क्या करते हैं, जैन धर्म के लोग, मानव लोग क्या करते हैं, जैन धर्म के 24 तीर्थों की स्तुति करते हैं। यहाँ पर चतुर्वार्षिकाः बताया गया है, देख सकते हैं आप, चतुर्वार्षिकाः के बारे में बताया गया है। चतुर्वर्ष विसृजन्ति, 24 तीर्थ यात्रों की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, यहाँ पर बताया गया है तीर्थकान की स्तुति करते हैं। बौद्धा मठमेशु विहारेशु वा भवन्तम् बुद्धम ध्यायन्ति, जो बौद्ध होते हैं बौद्ध लोग क्या करते हैं, अपने मठ बिहार में बुद्ध का ध्यान करते हैं। जो बौद्ध होते हैं अपने मठ बिहार में भगवान बुद्ध का क्या करते हैं, ध्यायन्ति, ध्यान करते हैं। पारसिकाः अपि निज धर्म स्थलेषु प्रभुं जरथुस्त्रम स्त्यंत स्मरियंती पूज्यंती स्तम, जो जरथुस्म होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कई गांवों में कुछ चौक में अटल के रूप में एक खंभा को या फिर एक लकड़ी के जो जरथुस्म होते हैं उसको गाड़े रहते हैं, उसी को क्या बोला गया है, यहाँ पर जरथुस्म के नाम से जाना गया है, जिसमें भगवान की स्तुति होती है, भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसी चीज़ को बताया गया है। जो पारसिक होते हैं, पारसी लोग अपि निज स्थल, अपने स्वयं के स्थल धर्म स्थलों में प्रभु जरथुस्म की क्या करते हैं, जरथुस्म की पूजा करते हैं, यह बताया गया है। दिल्ली नगरे बहाई धर्मावलंबिनानाम कमल मंदिरम अपि दर्शनीयम अस्ति, दिल्ली नगर में बहाई धर्म अवलंबनी
धर्म के लोग क्या करते हैं। दिल्ली नगर में बहाई धर्म के लोग कमल मंदिर में भी क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। कमल मंदिरम अपि दर्शनम, कमल मंदिर में भी, अपि मतलब होता है भी, दर्शन करते हैं। तत्र वहाँ भक्ताः, भक्त एक होकर, एकस्मिन एक होकर, सभागारे शांत्या तिष्ठन्ति इष्टं च ध्यान्ति, सभागार में शांत भाव से ईश्वर को क्या करते हैं, ध्यान भी करते हैं। मैंने आप लोग को सेकेंड जो पैराग्राफ है इसके बारे में भी चर्चा किया, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, पेज 26 में आइएगा, पेज नंबर 26, जो कि उनकी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होते हैं, अलग अलग त्यौहार होते हैं। जो ईसाई होते हैं वो लोग कैसे अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, जो मुसलमान होते हैं वो लोग कैसे अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, जो हिंदू होते हैं वो लोग कैसे अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, जो पंजाबी होते हैं, जो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल को मनाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति कैसे होती है। अस्माकं संस्कृतो सर्वमा सर्वसामपि महापुरुषाणां समादारः समान रूपेण विद्यते। हमारे जो धर्म हैं, हमारे जो संस्कृति हैं, इसमें सभी लोग साम को भी, महापुरुष भी एकत्रित होकर समान रूप से विचार करते हैं। यहाँ पर बताया गया है साम को भी क्या करते हैं, महापुरुष समान रूप से विचार करते हैं। वयम रामम कृष्णम चापि मानयायम बुद्धम महावीरम नानकम मुहम्मदम ईशु चापि। यहाँ पर यह बताया गया है कि वयम रामम, हम सब राम और कृष्ण को ही मानते हैं। वयम, हम सब राम और कृष्ण को, चापि भी, मानयाम मानते हैं, बुद्ध महावीर नानक मोहम्मद ईशु को भी मानते हैं। सभी साम को भी उत्सव के लिए भी मानते हैं। यहाँ पर बताया गया है सर्वे साम उत्सव मासमान्य सिद्ध प्रसिद्धताम, मतलब सभी साम को उत्सव के समान, उत्सव के रूप में समान उत्सव के साथ प्रसन्न होते हैं। एवं भारतीय संस्कृतो विविध धर्माणाम संयतम महापुरुषाणाम जीवन पद्यधतः पद्यध्यतः अनेकासानाम ग्रंथानाम सुक्तः अनेकाः नित्यः च समाविष्टतः सन्ति। यहाँ पर भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है कि जो भारतीय धर्म होते हैं समान रूप से प्रसन्न होते हैं। एवं भारतीय संस्कृति की अनेक धर्म के लोग, अनेक मान्यताएं और महापुरुष लोग क्या करते हैं, महापुरुष लोग अपनी जीवन का क्या करते हैं, मान्यताएं और महापुरुष की जीवन ग्रंथों को सुनाते हैं, अपनी ग्रंथ को सुनाते हैं, अनेक ग्रंथों को सुनाते हैं। और समाविष्टा समाप्ति के लिए इति साम सर्वसाम अपि पददिनानाम सम्मिलितम स्वरूपे में अधुना कास्माकं परिचितः शक्तिश्च वर्चते। अब हमारे जो संस्कृति है, अब हमारे सर्वेषाम अपि अपने पद की सम्मिलित रूप से स्वरूपेण अपने रूपों में अपनी भाषा को हमारे परिचित रूप से शक्ति के रूप में वर्तते होते हैं और देते हैं। जो हमारी भाषा है, जो हमारी स्वरूप है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोग, मैंने आप लोग को कुछ श्लोक के माध्यम से, गंधांश के माध्यम से मैंने अध्ययन करवाया, तो आप लोग भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा, शब्दार्थ को थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा। मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कि मूल्यांकन असाइनमेंट जो होती हैं कैसे कैसे हुई है, कैसे इसके जो आंसर आए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में देखेंगे। जहाँ आप लोगों को समझ नहीं आएगी फिर से बताइएगा मेरे को, फिर पुनः मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं हम।